हेलो स्टूडेंट्स, HLB डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए UP बोर्ड की 22 तारीख को परीक्षा को होने वाले पेपर कक्षा 10 की का मॉडल पेपर मैं लेकर के आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला खंड जो दिया है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें एक से लेकर के 20 प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्प के रूप में दिए गए हैं, जिनमें से 4 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया है, हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, का है जॉर्ज ग्रियर्सन को, खा भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, गा है राजा लक्ष्मण सिंह को, और घा है शिवप्रसाद सितारे हिंद को। तो हिंदी गद्य साहित्य का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, का ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है, खा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद की, गा किशोरीदास गोस्वामी वाजपेयी, घा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद की, जो कि आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद का है। तीसरा प्रश्न हमारा दिया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, का ऑप्शन दिया है परीक्षा गुरु, खा आनंद मठ, गा गबन और घा तितली। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है का, जिसका नाम है परीक्षा गुरु, यानी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। चौथा हमारा प्रश्न दिया है, सौ अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है, का बद्री नारायण चौधरी, खा बाल कृष्ण भट्ट, गा बाल मुकुंद गुप्त और घा सरदार पूर्ण सिंह। तो सौ अजान एक सुजान के रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट, जो कि आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 पर पहुंचते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है, उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम देने वाले आचार्य हैं, का ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र सुखा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी। तो उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर पहुंचते हैं। छठवां प्रश्न है, यमुना लहरी के रचनाकार हैं, का मतिराम खा देव, गा ग्वाल कवि और घा बोधा। तो यमुना लहरी के रचनाकार हैं ग्वाल कवि, यानी आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 नंबर, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता हैं, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का तुलसीदास, खा रामधारी सिंह दिनकर, गा पंत और घा निराला। तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पर पहुँचते हैं। 8वां हमारा प्रश्न दिया है, तार सप्तक के संपादक थे, का है अज्ञेय, खा धर्मवीर भारती, गा मुक्तिवेद और घा नागार्जुन। तो तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय, जो कि आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम बताना है। पंक्तियां दी गई हैं, हास्य हास्य भाजय देख दुल्हे दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछा में। तो इस प्रकार की पंक्ति में हास्य रस होगा, कौन सा रस होगा? हास्य रस, जो कि आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करव सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। प्रयुक्त में कौन सा छंद है? तो इसमें खा सोलठा छंद है। कौन सा छंद है? सोलठा छंद है। तो इस प्रकार से प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 11 पर पहुंचते हैं। 11वां हमारा प्रश्न दिया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? का रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, जो कि का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है, अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, का आ, खा अभ्य, गा आगत और घा अभि। तो इसमें उपसर्ग का नाम है अभि उपसर्ग है, अभि। 13 प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से पन प्रत्यय नहीं है, यानी किसमें पन प्रत्यय नहीं है? अपनापन में है, बचपन में है, बालपन में है, सपन में। सपन शब्द में पन प्रत्यय नहीं है।
तो प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 14 पर पहुंचते हैं। 14वां हमारा प्रश्न दिया है, दोपहर में कौन सा समास है? तो का विभाव खा तत्पुरुष गा दिग और घा कर्मधार है। तो दोपहर में समास है दिगु समास है। कौन सा समास है? दिगु समास है, क्योंकि दोपहर हो चुके हैं इसलिए दिगु समास रखा गया। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, कान, खाजीप, गा मुख और दांत। तो इसमें गा शब्द जो मुख है वो शब्द तत्सम शब्द है। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो खा ऑप्शन आपका वारिध जो दिया है ये समुद्र का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 17 दिया है, अत्यंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन अंत। तो देखिए आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा, अति धन अंत। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 पर पहुंचते हैं। 18वां हमारा प्रश्न दिया है, नद्याम रूप नदी का है, नद्याम रूप नदी का है, षष्ठी विभक्त द्विवचन, सप्तमी विभक्त एकवचन, षष्ठी विभक्त द्विवचन और सप्तमी विभक्त द्विवचन। तो नद्याम शब्द जो है वो खा ऑप्शन सही है, सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है नद्याम। उसके बाद अगला है प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, पठाम रूप पठ धातु का है। तो पठ धातु है, लट लकार पठति पठता, पठन्ति पठसि पठता, पठत पठामि, पठावा पठामा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? का ऑप्शन सही हो जाएगा, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन पठाम हो जाएगा। 20वां आपका प्रश्न दिया, हस धात लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? हस धात है, लट लकार है, हसति हसता, हसन्ति हससि, हसथा हसथ। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका का ऑप्शन सही होगा, हसथा शब्द सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखते रहिए, क्योंकि 22 तारीख को आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 के 20 आपको मिले, यह आशा HLB डिजिटल क्लासेस के माध्यम से आपको मिल रही है। तो आइए खंड बा पर पहुंचते हैं। बा खंड दिया है, गद्यांश का दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस गद्यांश का आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश डाल लीजिए, गद्यांश यानी किस गद्यांश का आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो इसको आप मैं ब्राह्मणी यहाँ से लेकर के डाट डाट करके अंतिम शब्द है का खेल है, का खेल है, ये आप गद्यांश जो दर्शा देंगे तो एग्जामिनर को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखिए हम पढ़ते हैं, मैं ब्रह्माणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म आदि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, ममता ने कहा क्या आश्चर्य कि तुम भी छल करो, ठहरो छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल नहीं करेगा, जाता हूँ, ये भाग का खेल है। तो इस प्रकार से है, तो दिया है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए पाठ कौन सा है, पाठ दिया है ममता और लेखक दिया है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ममता बाट हो गया और लेखक हो गया। तो प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या 2 पहुंचते हैं, दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जितना अंडरलाइन किया जाता है आपको उसकी उतनी की ही व्याख्या करना होता है। फिर दिया है क्या आश्चर्य कि तुम भी छल करोगे, ये कथन किसने और क्यों कहा, ये कथन किसने कहा, ये कथन ममता ने कहा, किसने कहा, ममता ने कहा, क्योंकि ममता डरी हुई थी इसलिए उसने कहा। तो
अगला है, दूसरा है। तो इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर हो गए। अथवा करके दूसरा दिया गया है गद्यांश, देखिए दूसरा गद्यांश दिया गया है। दूसरा गद्यांश है, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृत के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त ये बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूं कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में ये उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएँ उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी लिपि में छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। स्वल्प में समझ जाएगा। तो इस प्रकार से इस गद्यांश का अगर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो इसका भी हमें गद्यांश लिख देना होगा। गद्यांश वर्तमान, यहां से लेकर के फिर अंतिम है समझ जाएगा, समझ जाएगा, ये आपका गद्यांश हो गया। प्रश्न पूछा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ है पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं। पाठ है भारतीय संस्कृति संस्कृत, लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ये संदर्भ हो गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये आपका गंध का संदर्भ। रेखांकित अंशों में से किसी एक अंश की व्याख्या करना है, यानी अंडरलाइन दिया होगा स्टेंजा और उसकी तुम्हें व्याख्या करना होगा। कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का सुझाव दिया गया है। क्या सुझाव है? तो देखिए, छपवाने का सुझाव दिया गया है, यहाँ पर है, कम से कम देवनागरी लिपि में सब अपनी कृतियों को, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वल्प परिश्रम में समझ जाएगा। ये दिया गया है, प्रत्येक भाषा तो इस प्रकार से इस गद्यांश का संदर्भ आपका हो गया, तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित पद्यांश के आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरी भव बाधारो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्याम हरित दुति होए। तो इस प्रकार से ये पद्यांश दिया गया है, उक्त पद्यांश की तुम्हें व्याख्या करना है। जतन की जहाई परे श्याम हरित दुति होए में अलंकार आपको बताना है और कवि ने यहाँ किसकी वंदना की है। तो ये यहाँ पर यानी श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं कि जिसकी कृपा से जो है हरे रंग की बांसुरी भी श्याम हरित दुति होए, वो भी
हरे रंग की दिखाई दे, जा तन की झाई परे राधा ना, कहते हैं मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। और अथवा करके माध्यम से फिर आपका दिया गया है, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, चींटी को उसके जी को भूरे बालों की सी कतरंग छिपा नहीं उसका छोटापन, वो समझ पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय वह जीवन की चिनगी अच्छय, वो भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर भी वह मीलों चलती अथक कार्य से कभी न टलती। वह श्रमजीवी वह सुनागरिक पंक्ति का तात्पर्य क्या है? श्रमजीवी का तात्पर्य है अथक परिश्रम यानी लगातार परिश्रम करने वाली, सुनागरिक का तात्पर्य कि एक छोटा सा जीव और उसकी इतनी चाहत, तो इसलिए वो अच्छा ही नागरिक कहलाएगा। भूरे बालों की सी कतरन, भूरे बालों की सी कतरन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सम सी सरिस का तात्पर्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, भूरे बालों की सी कतरन यानी उपमा अलंकार, उपमा की गई है कि बालों की, किसके? भूरे बालों की। पंत जी ने चींटी को जीवन की अच्छे चिंगारी क्यों कहा? चींटी को जीवन की अच्छे चिंगारी इसलिए कहा है कि एक छोटा सा जीव लोगों को क्या सामाजिक प्रेरणा दे रहा है, आप इस बात को मानिए। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके हो गए। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए दिया है, एकदा बहुवा जना धूम्रान रेलगाड़ी आरोह नगरम प्रद गच्छन्त इस्म, तेस कचित ग्रामीण कोयचक नागरिका आसन मौन स्थिते, तेस एक नागरिका ग्रामीण उपहसन अखतैत, ग्रामीण अद्या पूर्वत अशिक्षिता अज्ञाश सन्त, न तेषाम विकासाभवत न च भविष्य शक्नोत, तस्य तादृशम जलपन्नम श्रोता को चतुर ग्रामीण अब्रवीत, भद्र नागरिक भवान एक किंचित ब्रवीत, यदो ही भवान शिक्षिता बहुगिचा अस्त, इदम आकर्ण न नागरिक आकर्ण स नागरिका सदर्पो ग्रीवाम उन्नमयन अकथय। तो आगे देखिए दिया है इसका, कतिश्याम पर पूर्व समय विधातव्य तस वार्ता श्रुत्वा स चतुर ग्रामीण अकथयत, भो वयम अशिक्षिता भवान च अशिक्षिता वयम अल्पज्ञ भवान च बहुग इतमेव विज्ञान अस्माभ्य, तो समय कर्तव्य वयम परस्परम प्रहलकाम प्रच्छाम, यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यत तदाम भवान दस रूपकाण दास्यत, यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्याम तदा दस रूपकाण अर्ध पच रूपकाण दास्याम। तो इस प्रकार से ये पूरा कथानक दिया गया था, गद्यांश की आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये इसका पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणा इस पाठ से लिया गया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा श्लोक देखिए दिया है, ऐसा कर्मवीणा संस्कृति कुर्वेन्नेव कर्मा जीजीव स्थेतम समा इता अस्या उद्घोष पूर्वक्रम तदंतरम फल इति अस्माकं संस्कृति निमया, इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना इसम निरंतर कर्म करना अस्माकं मुख्य कर्तव्यम निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम अन्यस्य श्रम शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, यदि वयम विपरीतम आचरम तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, वयम तदेव यथात भारतीय यदा अस्माकं आचार्य विचारे च अस्माकं संस्कृति लच्छा लच्छिता भवेत। तो ये दूसरा जो आपका गद्यांश दिया गया है, ये किस पाठ का दिया गया है? ये गद्यांश दिया गया है भारतीय संस्कृति, कौन सा है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ठीक है, ये आपका पाठ हो जाएगा, ये पाठ का नाम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अगला देखिए, अगला दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझ लीजिएगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी वो पार्ट आपका गद्यांश का था और ये पार्ट आपका दिया गया है श्लोकों का, जिनका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए
उनका हिंदी में अनुवाद करना है, दिया गया है का ऑप्शन दिया माता गुरुत्रो भूमि खात पिचो तथा मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात। ये किस पाठ का दिया गया है तो आइए देखते हैं। ये श्लोक जो है वो दिया गया है श्लोक पाठ है जीवन सूत्राणि। जीवन सूत्राणि, जीवन सूत्राण पाठ से लिया गया है। और किन है तो ये भी जीवन सूत्राण से ही लिया गया है, यानी दोनों के पाठ दोनों एक ही पाठ से लिए गए हैं। तो देखिए आइए इनके अनुवाद इनका देखते हैं। माता भूमि से अधिक भारी है, आकाश से ऊंचा स्थान पिता का है, और वायु से शीघ्रगामी मन है, तिनके से अधिक भारी चिंता है। ये आपका ऊपर वाले का हिंदी अनुवाद हो गया। दूसरे का है किम नहिता प्रियो, क्या छोड़कर मनुष्य प्रिय होता है और क्या छोड़कर मनुष्य शोक नहीं करता है, और क्या छोड़कर के धनवान होता है और क्या छोड़कर सुखी होता है। इस प्रकार से दोनों श्लोकों का हिंदी में अनुवाद था और दोनों श्लोक आपके जीवन सूत्राण से लिए गए हैं। बहुत यानी ये आप मान करके ले चलिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जीवन सूत्राण पाठ आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक न एक श्लोक आपको जरूर आएगा और आप तुरंत उस श्लोक का अर्थ लिख देंगे तो निश्चित ही आपके 5 अंक हो जाएंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारा दिया है खंडकाव्य से, दिया गया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो देखिए बाराबंकी जिले में और अन्य 4-5 जिलों में जो चलती है उस खंडकाव्य का नाम है मुक्तिदूत। तो देखिए मुक्तिदूत वाला प्रश्न किस पार्ट में दिया गया है, खा पार्ट में दिया गया है, यानी 5वें का खा पार्ट। तो आइए देखते हैं मुक्तिदूत खंडकाव्य के 4थे सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। कौन सा सर्ग है, 4था सर्ग, और 4था सर्ग है किसका, 4था सर्ग है आंदोलन का, यानी जितने भी आंदोलन हुए हैं उन 4थे सर्ग में रखा गया है, आंदोलनों का आपका वर्णन है। उसके बाद में अगला है मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्रण कीजिए, यानी किसका चरित्रण करना है, महात्मा गांधी का, किसका, महात्मा गांधी का क्या करना है, चरित्रण, यानी उनकी चारित्रिक विशेषताएं बताना है। तो महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताएं सबसे पहले तो क्या कि वे अहिंसा के पुजारी थे, दूसरी बात वह समय के बहुत पाबंद थे, जिसको जितना समय देते थे उसी समय वो पहुंच जाते थे, और दूसरी चीज़ वो मातृभक्त थे। माता जी ने जब उनकी माता जिंदा थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा जो कोई तुम्हारे साथ थोड़ा उपकार करे तुम उसके साथ महान उपकार करो। तो माता जी का उपदेश जब वह नहीं रही तो एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखा, उनका उपदेश याद आ गया और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, क्या कि पहले स्वतंत्र हो जाए माँ नहीं है किंतु मातृभूमि तो है, मैं मातृभूमि की सेवा करूँगा, उसको स्वतंत्र कराऊँगा, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली। तो इस प्रकार से आप बिंदुवार जब लिखेंगे तो उनमें से कथा से संबंधित जो जो भी लिखना है वो आप लिख डालेंगे। तो ये आपके मुक्तिदूत के दोनों प्रश्न हो जाएंगे, आपके 3 अंक में 3ों अंक आपको मिलने हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उससे ज़्यादा जयशंकर प्रसाद हैं और फिर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इनके जन्म मृत्यु माता पिता और इनकी शिक्षा क्या है, योग्यता क्या है, तथा इन्होंने कौन से साहित्य की रचना की है, उसके बाद मृत्यु हो जाएगा और मृत्यु के बाद एक उनकी रचना लिख देना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनकी एक रचना लिखना है, जयशंकर प्रसाद की एक रचना लिख दीजिए, राजेंद्र प्रसाद की एक रचना लिख दीजिए। तो इस प्रकार से एक जीवनी आपकी लेखक की हो जाएगी। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। पहले ऑप्शन में दिया है रसखान है, दूसरे में बिहारी लाल है, तीसरे में राम नरेश त्रिपाठी हैं, जिनमें बिहारी लाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं,
यानी 1603 और 1663 ईस्वी। कहते हैं सन 1603 ईस्वी जन्म ग्वालियर बसुआ ग्राम, यानी ग्वालियर में बसुआ ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जन्मे केशव के शुभधाम, और इन्होंने मात्र एक ही रचना की है बिहारी सत्साई। तो इनके संबंध में एक दोहा प्रचलित कहते हैं कि सतसैया के दोहरा जे नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बात किसके, ये बिहारी लाल की विशेषता है, ये समझ लीजिए आप। प्रश्न नंबर 7 पर पहुंचते हैं। 7वां हमारा प्रश्न दिया है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी जो दो श्लोक इस मॉडल पेपर में हमने दिखाया आपको वो जीवन सूत्राण से हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं जो कि आपका 2 नंबर का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। 8वां प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें दिया है, पहला दिया है स्वकेत का आसीत, स्वेत कौन था। दूसरा है सर्वेश उत्तम धनम किम अस्त, यानी सभी में सबसे उत्तम धन क्या है। तो सबसे उत्तम धन क्या है, विद्या है। भारतीय संस्कृति का विशेष गुण आसंत ज्ञानम कुत्र संबोध ज्ञानम सर्वत्र संबोध। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, ये 4 प्रश्न आपके दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं। 9वां हमारा और अंतिम इस मॉडल पेपर का प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि सबसे ज्यादा अंक का है, जिसमें 9 अंक दिए गए हैं। वो 9 अंक कौन से हैं जिनके अंतर्गत आपको निबंध लिखना है। पहला दिया है वृक्षारोपण, यानी जब तक आप वृक्षारोपण करेंगे नहीं, एक सरकारी मानक के अनुसार बताया गया है कि अगर 100% है व्यक्ति में तो 1/3 यानी 33% वन होने चाहिए। किसके लिए, मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए 33% वन होने चाहिए। अगर इससे कम हैं तो समझ लीजिए कि उनका जीवन कष्टमय है। दूसरा दिया है कि मेरी प्रिय पुस्तक, यानी आपकी कौन सी प्रिय पुस्तक है, रामचरितमानस, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस है, वही प्रिय पुस्तक है, उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा दिया है आतंकवाद की समस्या, आए दिन हर देश आतंकवाद की समस्या से झेल रहा है, तो सब लोग मिल करके एक संगठन बनाए कि इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की एक साजिश रचे जिससे ये पूरे विश्व से आतंकवाद शब्द जो है वो गायब हो जाए। इस विषय पर आप, कैसी समस्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। चौथा हमारा दिया है नारी शिक्षा का प्रभाव, यानी नारी जब शिक्षित होगी तो वो 2 परिवारों के भाग्य का उदय करती है, एक तो जहां पर रहती है और एक जहां से वो जाती है। तो इसलिए नारी की शिक्षा का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस विषय पर सरकार को भी सोचना चाहिए और हम सब लोग मिल करके यानी नारी उत्थान करें, उनको आगे बढ़ाएं, नारी सशक्तिकरण करें, जिससे 2 परिवारों के भाग्य जगते हैं। तो आइए, ये आपका मॉडल पेपर कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल यानी HLB डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और डेली जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और एक क्रमवार यानी एक से बढ़कर एक आपको मॉडल पेपर डाले जा रहे हैं जिससे आपका एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो इससे अछूता रहे। यानी आपके अगर 70 नंबर का पेपर है तो आपके 17 नंबर के क्वेश्चन आपको पता है और वे आप लिख करके आएंगे तो निश्चित ही आपको 95+ नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।